पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ का ओरल करेंगे। ओरल से मतलब ये है कि जो वर्क ये कराया जाए, इसे आपको कॉपी में नहीं करना, आपको केवल वीडियो में देख के सीखना है। तो आइए हम ओरल में आज कुछ जोड़ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले छोटे जोड़ आपको सिखाते हैं। यदि ऊपर भी एक लिखा हो और नीचे भी एक लिखा हो तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? ये तो सामने दिख रहा है कि ये एक है और ये एक है, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? दो। तो हम यहाँ लिखेंगे दो। क्या लिखेंगे? दो। आगे हम देखते हैं, अगर ये हो गया दो, नीचे हमने लिखा एक, तो इसको जोड़ेंगे तो ऊपर लाइन खींची दो, नीचे खींची एक, एक दो तीन, ये कितना हो गया? तीन। तो ये हुआ तीन। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते क्रम में चलेंगे तो देखें कि दो के साथ यदि हम दो जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है। ऊपर लाइन खींची दो, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? दो, इसलिए हमने ऊपर लाइन कितनी खींची है? दो। नीचे भी लिखा है दो, इसलिए हम नीचे कितनी लाइनें खींचेंगे? दो। तो देखिए एक दो तीन और चार। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? चार। इसी प्रकार आगे हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तीन और नीचे लिखेंगे एक, इसे हम जोड़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे ऊपर लिखा तीन तो हम लाइनें कितने खींचेंगे? लाइनें भी तीन खींचेंगे, एक दो और तीन। और नीचे लिखा है एक तो हम लाइन खींचेंगे एक। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, एक दो तीन और चार, तो ये कुल मिला के कितने हो गए? चार। अब अगला सवाल है, इसमें ऊपर लिखा है तीन, नीचे लिखा है दो, तो इसमें हम कितनी लाइनें खींचेंगे? ऊपर ऊपर तीन लिखा है तो इसलिए हम लाइनें खींचेंगे तीन। तो देखिए एक दो तीन, और नीचे लिखा है दो तो हम लाइनें कितनी खींचेंगे? दो। अब आइए इसे गिनते हैं, एक दो तीन चार और पांच, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पांच। यहाँ आ गया पांच। अब इसी तरह हम बढ़ते क्रम में जोड़ करेंगे तो तीन और दो तो हो गया है, अब होगा तीन और तीन का जोड़। तो इसमें जितनी संख्या ऊपर लिखी है उतनी ही नीचे लिखी है। ऊपर लिखा है तीन, लाइनें कितनी खींचेंगे? लाइनें भी तीन खींचेंगे। और नीचे लिखा है तीन, इसलिए नीचे भी लाइनें कितनी खींचेंगे? तीन, एक दो तीन चार पाँच और छः। हम यहाँ क्या लिखेंगे? चार लिखेंगे। अब ऊपर लिखा तीन, नीचे लिखा चार, इसको जोड़ने के लिए हम करेंगे क्या? ऊपर लाइनें खींचेंगे, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है तीन, तो लाइनें कितनी खींचेंगे? तीन। नीचे लिखा है चार, हम लाइनें कितनी खींचेंगे? चार, एक दो तीन चार। अब हम इसे गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, तो यहाँ क्या आएगा? सात। यहाँ आएगा सात। अब इसी प्रकार आगे देखिए, चार और चार, इसका जोड़ करेंगे तो हम कैसे करेंगे? जैसे ऊपर लिखा है चार तो हम लाइन में भी चार खींचेंगे, एक दो तीन चार, और नीचे कितनी लाइन खींचेंगे? नीचे भी चार, तो एक दो तीन और चार, इसे गिने, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा आठ। अब देखिए, जैसे हमारा जोड़ भी लगभग सेम चल रहा है, दो तीन चार, फिर इधर दो पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, ऐसे चल रहा ना, तो साथ साथ ये गिनती भी हमारी हो रही है। तो इसी प्रकार अब आगे चले,
नीचे क्या दिया पांच, लाइन खींचिए पांच, एक दो तीन चार पांच। अब हम इन सबको एक साथ भरेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो यहाँ क्या आएगा नौ। तो अब आप गिनकर बताएं कि कुल हमने कितने जोड़ अब तक कर लिए। तो देखो ऊपर कितने जोड़ हैं, ऊपर के जोड़ देखिए, ऊपर हमने एक दो तीन चार और पांच जोड़ किए हैं, इसी प्रकार नीचे भी पांच जोड़ हैं, तो कुल मिलाकर के हमारे कितने जोड़ हो गए, दस जोड़ हो गए हैं। तो कुछ सवाल मैं नीचे लिखती हूँ जिन्हें आप करेंगे, तो आपके करने के लिए सवाल है वो आपको ऊपर वीडियो में पीछे के नहीं देखना है, तो यहाँ कोई भी सवाल हो सकता है, तो आप अपने दिमाग से इसे करेंगे। आपको गिनना होगा क्या आएगा, कैसे हमें ये करना है, ये जोड़ आपको करने हैं, और करने के बाद आप घर में किसी को चेक करवा सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे सवाल सही होते हैं या गलत होते हैं। इसी प्रकार आपके साथ एक जोड़ सकते हैं और फिर दूसरी बार आपके साथ दो जोड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार अब हमने आपको आठ सवाल दिए। पहले सवाल में देखिए ऊपर लिखा है दो, नीचे लिखा तीन, ऊपर की लाइनें आप ऊपर खींचे, नीचे की लाइनें नीचे खींचे, फिर उनको एक साथ गिनेंगे और एक साथ गिनने के बाद में उन्हें हम लिखेंगे कि कितना आएगा। इस प्रकार हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सवाल हुए। पहले बच्चों ये आप स्लेट पर करके देख सकते हैं, क्योंकि ये ओरल है, इसे मौखिक सीख करने है, कॉपी पर करने की जरूरत नहीं है, स्लेट पर करें और अपने से बड़े भैया दीदी या फिर मम्मी पापा को चेक करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो आप इस वर्क को स्लेट पे करें, ये ओरल है और इसे दो तीन बार आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो ऊपर मैं लिख रही हूँ इसका मतलब आप समझते होंगे, ओरल ओ आर ओ, इसका मतलब होता है इसे मौखिक रूप से करना, यानी कि सिर्फ कानों से सुनना याद करना यही करना है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप इस वर्क को सुने करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।